ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर घर में रुपया नहीं आ रहा, लक्ष्मी टिक ही नहीं रही, या फिर रुपया आता तो है पर टिकता नहीं और कहाँ खर्च हो जाता है समझ में भी नहीं आता और खर्च पर खर्च लगा ही रहता है। आप चाहते हैं कि आपके घर पर माता लक्ष्मी का निवास हमेशा हमेशा के लिए रहे तो कमल गट्टे को जल में डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आपकी ज़िंदगी में कभी भी रुपये का अभाव नहीं रहेगा, कभी भी माँ लक्ष्मी का अभाव नहीं रहेगा। और हाँ, यदि अगर कमल का फूल मिल जाए तो शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। यदि आप रोजाना कमल का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ा पाते तो हर सोमवार सोमवार ही चढ़ाना शुरू कर दीजिए। यदि सोमवार सोमवार भी कमल का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ा पाते तो हर महीने प्रदोष आती है, तो हर महीने की प्रदोष को ही शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आपके घर पर ऐसी कृपा माँ लक्ष्मी की बरसेगी कि आपको, आपके परिवार को, आपके आने वाली पीढ़ी को कभी भी रुपये की किल्लत को झेलना नहीं पड़ेगा। क्योंकि कमल का फूल जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर चढ़ा देता है या कमल गट्टे को जल में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ा देता है उसके यहाँ धन का अभाव कभी नहीं रहता। तो इसलिए यदि आपको कमल का फूल ना मिले तो कमल गट्टे को जल में मिलाकर शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि शिव के चरणों में रहने के लिए माता ख्याति ने लक्ष्मी को शंकर जी को दिया था और शंकर जी ने लक्ष्मी को भगवान नारायण को दे दिया, क्योंकि कमल के फूल पर लक्ष्मी माता निवास करती हैं। इसलिए दीपावली पर कमल का फूल माता लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है। वहीं कमल का फूल भगवान विष्णु ने श्रवण महीने में 108 कमल के फूल शिवलिंग पर चढ़ाए थे। उस पुष्प का फल भगवान विष्णु को इतना बड़ा मिला कि भगवान विष्णु को चक्र मिल गया। आप सभी ने शास्त्रों में तो जरूर पढ़ा होगा कि सुदर्शन चक्र किसका था, भगवान शंकर का, लेकिन उन्होंने वो चक्र भगवान विष्णु को दे दिया, क्योंकि भगवान विष्णु ने सावन महीने में भगवान शंकर के सबसे प्रिय महीने में भगवान शंकर पर यानी शिवलिंग पर 108 कमल के फूल अर्पित किए थे, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दे दिया। तब से भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए। केवल कमल का फूल चढ़ाने से इतना बड़ा फल मिला भगवान विष्णु को। तो यदि नहीं आ रही लक्ष्मी आपके घर, आपने हर जगह माथा टेक लिया फिर भी नहीं आ रही लक्ष्मी, तो प्रदोष के प्रदोष सोमवार के सोमवार कमल गट्टे को जल में डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। क्या करना ही है आपको, एक कमल गट्टा लेकर जिस लोटे में शिवलिंग पर आप रोजाना जल चढ़ाते हैं उसी लोटे के जल में एक कमल गट्टा डाल लीजिए और चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आप ये कार्य एक बार करके तो देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। धन्यवाद।